गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले आपके पास हार्ड डिस्क दी है। हार्ड डिस्क कुछ देखने में इस तरह की होती है जिसमें हम कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ये पहले से ही फिक्स्ड होती है, मतलब पहले से ही लगी होती है सीपीयू में। ये एक साइड बॉक्स में पहले से ही लगी हुई होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क देखने में कुछ इस तरह की होती है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मतलब स्टोर करने की कैपेसिटी। जो ये डाटा अपने अंदर स्टोर करके रखता है वो डेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी हो सकता है, मतलब जितना चाहे ज़्यादा हो सकता है, परंतु इसमें कुछ लिमिट दी है। वो लिमिट 2 TB और 5 TB तक होती है, मतलब ये 2 TB और 5 TB तक ही डाटा को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। ये एक मेटल की बनी हुई डिस्क होती है। इसके बाद हम CD के चलते हैं। CD तो सभी ने देखी होगी। CD देखने में कुछ इस तरह की होती है और CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ये भी एक स्टोरेज मीडिया होता है, मतलब स्टोर करने का एक मीडिया, मतलब एक तकनीक जिसमें हम 700 MB तक डाटा रख सकते हैं, मतलब 700 MB तक डाटा इसमें हम रख सकते हैं, जिसमें हम इसमें हम स्टोर कर सकते हैं टेक्स्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर, म्यूजिक और एक्सेट्रा। मतलब टेक्स्ट को, ग्राफिक को, पिक्चर्स को, फोटोज़ को, म्यूजिक को और सॉन्ग्स को, उसे कहते हैं CD कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके बाद चलते हैं हम DVD के पास। DVD की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क होती है, जो देखने में कुछ CD की तरह ही दिखाई देती है, पर इसके अंदर हम डेटा 4.1 GB और 17 GB तक सेव कर सकते हैं। ये भी डेटा को स्टोर करने की एक डिस्क होती है। इसके बाद हम चलते हैं BD पर, जिसे BD और BRD ब्लू रे डिस्क भी कहते हैं। ये रिसेंटली अभी मार्केट में आई है, जिसमें हम 25 GB और 33 GB तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम साउंड, गेम्स, मूवीज़ कुछ भी डाउनलोड करके अच्छे से सेव करके रख सकते हैं, जिसे BRD मतलब ब्लू रे डिस्क कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव आपको सभी को पता है, ये देखने में कुछ पेन ड्राइव जैसे होते हैं, मतलब जिसे हम पेन ड्राइव कहते हैं उसे ही फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, जिसमें भी हम फोटोज़, म्यूज़िक, मूवीज़ और बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी कैपेसिटी 512 MB, 2 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB और 64 GB तक भी हो सकती है। उसके बाद आपके पास है मल्टीमीडिया कार्ड, जिसे हम मेमोरी कार्ड कहते हैं। इसमें भी हम फोटोज़, वीडियोज़ और बहुत सारी म्यूज़िक भी सेव करके रख सकते हैं। ये ज़्यादातर मोबाइल्स में यूज़ किए जाते हैं, जिसे हम मेमोरी कार्ड भी कहते हैं। ये 1 MB, 32 GB और 128 GB तक भी हो सकता है। आज की क्लास में इतना ही। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो ये वीडियो को बार बार देख के जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो मुझे फ़ोन करके या क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। सभी बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट करें। थैंक यू।